वेलकम टू रिजवाना हैदराबादी किचन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर भी ठीक होगी। तो आज एक मज़ेदार सी जो है ना चटनी बनाना बता रही हूँ, अदरक की लाल चटनी। और जो जो इंग्रेडिएंट पड़ते हैं मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर मैं ली हूँ सूखी लाल मिर्ची और ज़ीरा, अदरक, लहसुन, इमली। ये सब चीज़ें आप कम ज़्यादा भी कर ले सकते हैं आपकी फैमिली के हिसाब से। तो हम समय पहले पीसेंगे इसे, अदरक, ज़ीरा और लहसुन को। पहले हम अदरक और ज़ीरा लहसुन को साथ में पीस लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक भी शामिल करेंगे, ऐड कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं नमक भी ऐड कर दी। अब हम इसको पीसेंगे। इसमें इमली डालेंगे। इमली के आप लोग बींजा निकाल के इसे 10 मिनट पहले आप भिगने रख दीजिए गर्म पानी डाल के, तो इमली जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लहसुन के साथ जो है ना इमली को भी पीस ले रही हूँ। अब हम इसमें जो है ना लाल मिर्ची डालेंगे। इस बीच आप लोग देख लीजिए कि आप अगर नमक कम है तो आप इसमें नमक डाल लीजिए टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारी जो है ना अदरक की लाल चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं आपको सर्व करते हुए बता रही हूँ कि हमारी रेडी हो चुकी है मज़ेदार सी अदरक की चटनी। और आप इसे स्टोर करके फ्रिज में भी 1 महीना 2 महीने तक भी आप इसे रख ले सकते। आप इसे और ज़रूर ये रेसिपी को आप ट्राई करिए। और रोटी के साथ भी आप किसी सालन के साथ भी इसे आप चखने के लिए रख ले सकते हैं अदरक की चटनी। तो अगर आपको ये सिंपल और मज़ेदार सी अदरक की लाल